हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। तो देखिए, हमने वीगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ चुका है। ठीक है, और उसके सिद्धांत में कुछ इसका भी कुछ रोल है प्लेट विवर्तनी का। तो देखिए, सबसे पहले तो प्लेट होता क्या है, ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1968 में मॉर्गन ने पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉर्गन ने किया था, ठीक है, किसने प्रतिपादन किया था प्लेट सिद्धांत का? तो मॉर्गन ने, कब? तो 1968 में। लेकिन इन्होंने जो प्लेटों की संख्या बताई वो कम बताई, ठीक है, उसकी वजह से इनका जो सिद्धांत था वो मान्य नहीं हुआ, उन्हें मान्यता नहीं मिली। ठीक है, फिर ली पिचॉन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। फिर ली पिचॉन, ठीक है, मॉर्गन ने सबसे पहले 1968 में ये बताया कि हाँ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इन्होंने सिद्धांत दिया। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने प्लेट का जो कुल प्लेटें हैं, जैसे छोटी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, तो उनको सही सही नहीं बताया कि ये कितनी है। ठीक है, फिर 1968 में ली पिचॉन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो प्लेट विवर्तनी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो गया प्लेट, दूसरा हो गया टेक्टोनिक। तो प्लेट का अर्थ होता है दृढ़ भूखंड। प्लेट का अर्थ क्या होता है? दृढ़ भूखंड। और टेक्टोनिक का अर्थ होता है विवर्तनिक क्रियाकलापों का अध्ययन। ठीक है, टेक्टोनिक का अर्थ क्या होता है? विवर्तनिक क्रियाकलापों का अध्ययन। तो देखिए, दृढ़ भूखंड, अब इस प्लेट शब्द का सबसे पहले जो यूज था, सबसे पहले उपयोग जो था, वो टूजो विल्सन ने किया था प्लेट शब्द का उपयोग। ठीक है, कब किया था? 1965, यानी कि मॉर्गन के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देने से पहले ही टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द को बताया था, प्लेट शब्द का यूज किया था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो तीन चीजें जानने के लिए हैं इम्पॉर्टेंट। मॉर्गन ने 1968 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया कि प्लेट कितने हैं। ठीक है, प्लेटों के जो आंकड़े थे उसमें अभाव था, उसकी वजह से उनका जो सिद्धांत था उनको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद ली पिचॉन ने 1968 में ही फिर इन्होंने भी सिद्धांत दिया और वो फिर 1968 में ली पिचॉन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। उसके बाद प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने। कब किया था? तो 1965। अब देखिए, विल्सन के अनुसार, यानी कि टूजो विल्सन के अनुसार प्लेट क्या है? तो प्लेट स्थल खंड का वह दृढ़ एवं कठोर भाग है जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। देखिए, प्लेट जो है, प्लेट को हमारा जो हम जो इस स्थलखंड में रह रहे हैं, ठीक है, उस स्थलखंड को ही प्लेट माना गया है। ठीक है, प्लेट किसे माना गया? स्थलखंड को, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट को ही प्लेट माना गया है। और इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो क्रस्ट से, या जिसे भूपरपटी भी कहते हैं, और मेंटल की ऊपरी पर, यानी कि ऊपरी मेंटल और क्रस्ट से, भूपरपटी से इसका निर्माण हुआ है। किसका? प्लेट का। अब प्लेट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर, ये मानी गई है, ये लगभग में, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग में इसे माना गया है कि हाँ, 100 किलोमीटर हो सकता है। ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। अब देखिए, इसमें सबसे ऊपर का तो ये लेयर हो गया, ये भूपरपटी हो गया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया मेंटल, पूरा भाग क्या हो गया? मेंटल। अब इसमें दो भाग है मेंटल के, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और नीचे वाला क्या हो गया? क्रोड। ठीक है, दोनों को मिला के क्रोड, क्रोड का भी दो भाग है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। अब देखिए, यहाँ ये भूपरपटी वाला भाग, ठीक है, ये भूपरपटी वाला भाग और ये ऊपरी मेंटल, ये जहाँ तक आ जाए ऊपरी मेंटल, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? प्लेट। ठीक है,
अब देखिए स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल पृथ्वी का बाह्य भाग या भूपटल तथा या और ऊपरी मंडल द्वारा निर्मित है। देखिए वही बात होगी, जो प्लेट के लिए परिभाषा है वही परिभाषा आपका स्थल मंडल के लिए ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्थल मंडल ही प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इसकी गहराई या मोटाई बोलिए तो इसकी भी गहराई या मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्थल मंडल है स्थल मंडल ही प्लेट है, स्थल मंडल ही प्लेट है, ठीक है। ये कैसा है, तो ये कठोर और भंगुर है, ठीक है। स्थल मंडल कैसा, कठोर है। और ये किस, इसमें किस तरह के तत्व पाए जाते हैं, तो सिलिका पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और इसका घनत्व है लगभग 2.7 से 3.00 तक इसका घनत्व पाया जाता है। अब देखिए स्थल मंडल क्या है, तो स्थल खंड स्थल मंडल के ठीक नीचे का भाग स्थल मंडल, यानी कि जो हमारा यहाँ से नीचे का जो भाग है यानी कि निचला मंडल, औसत मोटाई इसकी 250 किलोमीटर है, घनत्व इसका 3.4 है, केवल निचला मंडल सम्मिलित किया गया। यानी कि देखिए यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा स्थल मंडल, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा स्थल मंडल, और ये जो हमारा निचला मंडल है ये क्या हो गया स्थेनो मंडल, स्थेनो मंडल, समझ में आया। केवल निचला मंडल इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसमें केवल निचला मंडल सम्मिलित किया जाता है। तप्त और आंशिक रूप से तरल होने के कारण लचीला, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट पाई जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से ये क्या है, तरल है और लचीला है। तरल मैग्मा की संवाहनिक धाराएं चलती, यहाँ तरल मैग्मा की संवाहनिक धाराएं चलती कहाँ, स्थेनोमंडल में संवाहनिक धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से इन्हीं संवाहनिक धाराओं की वजह से प्लेट गति करती है। स्थल मंडल ये प्लेटों की गति के लिए आधार प्रदान करता है, कि ये जो संवहनिक धाराएं है ना यही मुख्य कारण है प्लेटों की गति की। अब देखिए प्लेटों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जितनी भी प्लेटें हैं सारी अलग अलग दिशाओं में गति कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि को सारी प्लेटें पश्चिम की ओर गति करी या सारी प्लेटें उत्तर की ओर गति करी या सारी प्लेटें पूर्व की ओर गति करी, ऐसा नहीं है। कोई प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रही है तो कोई उत्तर की ओर करी, कोई दक्षिण की ओर, कोई पूरब की ओर, इस तरह से सब सारी जो प्लेटें हैं वो अलग अलग गति कर रही हैं। प्लेटों के साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। देखिए अब जैसे तो महाद्वीपों का तो ये हो गया कि प्लेट, ठीक है, तो महासागरों के नीचे का तल जो है वो भी प्लेट होता है, ठीक है। तो महाद्वीप जैसे विस्थापित होते हैं वैसे ही महासागरों का तल भी विस्थापित हो जाता है। इसकी चाल यानी कि इसकी गति, इसकी चाल या बोलिए इसकी गति कितनी है, तो 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है प्रति वर्ष। हर एक वर्ष में कितने गति करती है प्लेट, तो 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में गति करती। ये ली पिचॉन के अनुसार है, ली पिचॉन ने ऐसा बताया है कि प्लेटों की चाल कितनी, प्रतिवर्ष प्लेटों की चाल कितनी है, तो 1 से 10 सेंटीमीटर। और ध्रुवों पर ये गति नहीं करती है, ठीक है, प्लेटें जो है वो ध्रुवों पर गति नहीं करती है, और सबसे ज़्यादा गति कहीं पे करती है, तो वो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। यहाँ पर प्लेटों की गति सबसे अधिक होती है, और यहाँ ध्रुवों पर प्लेटों की गति शून्य होती है, मतलब कि प्लेटों की गति यहाँ नहीं होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो हर जगह अलग अलग पाई जाती है, जैसे इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर तक अलग अलग है, ठीक है। समुद्रों के नीचे की पतली पाई जाती है और महाद्वीपों के नीचे मोटी पाई जाती है। जैसे देख लीजिए आप इस तरह से अगर देखते हैं,
तो ये हमारा स्थलमंडल हो गया, ये हो गया हमारा महासागर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ की मोटाई ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ की मोटाई कम है, तो इसलिए प्लेट जो है, प्लेटों की मोटाई महाद्वीपों में अधिक होती है और महासागरों के नीचे कम होती है। सभी प्लेटें दृढ़ एवं कठोर होती है। प्लेटों की गति का कारण संवाहनिक धाराएं हैं। प्लेटों की गति के कारण कौन है? संवाहनिक धारा, संवाहनिक धाराओं के कारण ही प्लेटें गति करती हैं। आरोही धाराएं, प्लेटें एक दूसरे से अलग हट जाती है। जब आरोही धाराएं चलती है, संवहनी धाराओं की जब आरोही धाराएं चलती है, तो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से अलग हट जाती है और उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होता है, उनके बीच में एक तनाव उत्पन्न होता है। अवरोही धाराएं जब चलती हैं तो दोनों जो दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे के पास आती है और संकुचन होता है, ठीक है। अब प्लेटों की आकृति में भिन्नता पाई जाती है। जितनी भी प्लेटें हैं उन सबकी आकृति, उनकी जितना प्लेटें है सबका आकार अलग अलग पाया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटों के किनारे, तो इसे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ लिया स्थलमंडल, पढ़ लिया स्थलमंडल, प्लेटों की विशेषताएं पढ़ ली। प्लेटें किस कार्य, किन धाराओं के कारण गति करती है? तो संवहनिक धाराओं के कारण गति करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो थे वो हमने देख ली हैं। अब हम कल पढ़ेंगे प्लेटों के किनारे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।